दोस्तों, अगर आपने अमेज़ोन से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और उसको आपने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है और काफ़ी टाइम से आपका जो रिटर्न आपने किया है उसका अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है, तो किस तरह से आप अपने रिटर्न का रिफंड ले सकते हैं? अगर आपको रिफंड अभी तक नहीं मिला है, काफ़ी टाइम हो गया है रिटर्न किए हुए और रिफंड आपको अभी तक नहीं आ रहा है, तो किस तरह से आप उसका रिफंड ले सकते हैं? या फिर मेरे तरह यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक लाइटनिंग केबल यहाँ पर ऑर्डर किया था, उसको मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है, पर यहाँ पर मेरे ऐप में यहाँ पर शो नहीं कर रहा है कि मैंने यहाँ पर रिटर्न किया है। जैसे कि आप मेरे ऑर्डर की हिस्ट्री में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न कर दिया है, पर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है कि मैंने इसको रिटर्न किया है। तो ये प्रॉब्लम का आज सोल्यूशन हम देने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से आप रिटर्न किए ऑर्डर का रिफंड ले सकते हैं अगर आपको रिफंड नहीं मिला है, पर इस वीडियो में मेरा ये भी इशू आ रहा है कि मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है पर अमेज़ॉन के ऐप में शो नहीं कर रहा है और उसका अभी तक रिफंड नहीं मिला है। तो इस वीडियो में हम इसका रिटर्न लेने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे तरह यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने रिटर्न कर दिया है और उसका जो आपको रिटर्न का रिक्वेस्ट है वो आपके ऐप में शो नहीं कर रहा है, या फिर आपको यहाँ पर रिटर्न का पैसा नहीं मिला है, दोनों का एक ही सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर अपने अमेज़ॉन को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा कस्टमर सर्विस का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा चैट विद अस और यहाँ पर टॉक टू अस, नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर टॉक टू अस पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके जो भी ऑर्डर हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आपका यहाँ पर ऑर्डर शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट अनोदर ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके जो भी पुराने ऑर्डर हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर शो नहीं हो रहे हैं फिर से आप शो मोर ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप से मेरा 3 ऑर्डर यहाँ पर दिखा रहा है, 2 तो यहाँ पर कैंसिलेट दिखा रहा है और एक मेरा यहाँ पर लाइटनिंग केबल है जिसको मैंने ऑर्डर किया था वो यहाँ पर दिखा रहा है। मेरा यहाँ पर कोई भी रिटर्न जो मैंने किया है वो ऑर्डर नहीं दिखा रहा, हालांकि मैं इसको रिटर्न कर चुका हूँ और मेरा जो है पिकअप भी हो चुका है। जो भी आपने ऑर्डर किया उसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रीज़न आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो आपका जो भी रीज़न है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर कैंसिल और रिटर्न आइटम्स का है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ कि आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ए रिटर्न और रिप्लेसमेंट, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप जो भी चाहें वो चूज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर इस टैप से शो हो जाएगा, आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस, इस टाइप का आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है किस तरह से आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। उस वीडियो को आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू कस्टमर केयर सर्विस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर लैंग्वेज आ जाएंगी जिस लैंग्वेज में आप इनसे बात करना चाहते हैं। हिंदी में करना चाहते हैं तो आपको हिंदी यहाँ पर रहने देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर नंबर आ जाएगा, नंबर आपको डाल देना है अगर आपका नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है। नंबर डालने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉल मी नाउ, जैसे ही आप कॉल मी नाउ पे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको अमेज़ॉन की तरफ से कॉल आएगा, उस पर आपको बात करना है। किस तरह से बात करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इनको बात करना है अगर आपका रिटर्न का रिफंड नहीं मिला है या फिर आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। जैसे कि मेरे में यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, रिटर्न किया है मैंने उसको। अब आपको यहाँ पर कॉल मी नाउ पे क्लिक कर देना है, तो चलिए मैं कॉल मी नाउ पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यह कॉल गुणवत्ता और उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है, कृपया होल्ड करना जारी रखें। नमस्कार, मेरा नाम लवकुश है, क्या बेहतर सहायता के लिए आपका नाम जान सकता हूँ? फैजल हुसैन जी, किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? सर, मैंने एक रिटर्न लगाया था अपने लाइटनिंग केबल का, तो उसका रिफंड आप मुझे यहाँ पर लगभग 15 दिन हो चुके हैं, उससे ज्यादा ही हो चुके हैं, अभी तक रिफंड नहीं मिला है मुझे और ना ही मेरे ऐप में यहाँ पर रिटर्न कोई शो कर रहा है। जी माफी चाहूंगा, बिल्कुल मैं डिटेल से कर लेता हूँ, थोड़ा सा लीजिएगा। ये लाइटनिंग 2 3.5 mm हेडफोन जैक अडाप्टर, ये ऑर्डर दिखा रहा है 179 rupees का, इसी बात कर रहा है भाई? जी यही है जी, चेक कर लेता हूँ। जैसे आपने बताया मतलब ये प्रोडक्ट आपने रिटर्न कर दिया है लेकिन रिफंड नहीं हुआ अभी तक आपको? जी चेक कर रहा हूँ सर जी, इसमें निकाला है आपका जो प्रोडक्ट है ना 30 जनवरी को पिकअप हुआ था और बिल्कुल ये रिटर्न भी हो चुका है। आपने सर देखिए, इसमें मैं इसके लिए तुरंत रिफंड प्रोसेस करवाता हूँ, थोड़ा समय लीजिएगा। जी जी मैं इसमें देख पा रहा हूँ, आपने 179 rupees का पेमेंट किया था, एक अपने कार्ड से और पे बैलेंस से किया था जी, इसी में आपको रिफंड हो जाएगा ना। इसका 3 से 5 working days का टाइम लाइन है, इसके अंदर ही वापस मिल जाएगा आपको। अच्छा हाँ जी, इसके लिए आपको एक ईमेल भी आ जाएगा विद इन 4 hours, उसमें आपको ये रिफंड की इन्फॉर्मेशन भी शो हो जाएगी
और अमाउंट विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज रिफंड हो जाएगा, ओरिजिनल जिससे आपने पेमेंट किया था उसी में आ जाएगा वापस। वैसे सर ये ऑटोमेटिक क्यों नहीं आया, क्योंकि रिटर्न तो यहाँ पर हो गया है जैसे कि आपने बताया। सर ये जो रिटर्न ट्रैकिंग आईडी था ना, ये रिप्लेसमेंट के लिए था, इस वजह से इस रिफंड मतलब इशू नहीं हुआ ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट किया था आपने, उसके साथ में रिटर्न ट्रैकिंग आईडी आई थी, उस पर रिटर्न हुआ था इस वजह से। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी? जी नहीं, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने उनसे बात की थी, उसके बाद मैंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई और मैंने उनसे कहा कि मेरा अभी तक रिटर्न का पैसा अभी तक मुझे नहीं मिला है और जो मेरा रिटर्न है वो मेरे ऐप में भी नहीं शो कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि आपका जो रिटर्न का पैसा इसलिए नहीं आया क्योंकि ये रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट था, इसलिए आपका इसमें रिप्लेसमेंट ही हो सकता था, फिलहाल आपने उसको कैंसिल कर दिया था, इसके वजह से आप ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रेड नहीं होता है, आपको उसके लिए यहाँ पर कॉल करना पड़ता है, उसके बाद आपका जो रिफंड है वो आपको प्रोसीड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा रिफंड प्रोसीड कर दिया गया है और मेरे पास यहाँ पर रिफंड आ भी चुका है जो कि मेरे ऐप में भी यहाँ पर शो कर रहा है। दूसरा दिन है, मुझे लगभग शाम को यहाँ पर रिफंड आ गया था, आज मैं दूसरे दिन यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ अमेज़न ऐप में। सबसे पहले मैं अमेज़न पे वाले ऑप्शन में चले जाता हूँ, यहाँ पर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से और अमेज़न पे बैलेंस से यहाँ पर पेमेंट किया था। तो मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में यहाँ पर दिखाता हूँ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देख सकते हो 21 तारीख को यहाँ पर मेरा जो रिफंड है वो प्रोसीड किया गया है, पे बैलेंस में मेरे यहाँ पर आए और बाकी जो रिफंड है वो मेरे क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर प्रोसीड किया है। यहाँ पर आइटम का आप नाम भी देख सकते हो, लाइटनिंग केबल यहाँ पर आप देख सकते हो दिखा रहा है। तो जो मेरा पूरा रिफंड है यहाँ पर मेरे जिससे मैंने यहाँ पर पेमेंट किया था उसमें मेरा यहाँ पर प्रोसीड कर दिया है। अब जो पेमेंट है मेरा क्रेडिट कार्ड में 2-3 दिन में या फिर 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनसे बात करके अपना जो रिफंड है वो प्रोसीड करा सकते हैं। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।